हाय माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप इनकंसिस्टेंट हैं? क्या हम कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें? देखिए, इनकंसिस्टेंसी सबके अंदर है। अगर कोई बोलता है कि मैं 100% कंसिस्टेंट हूं तो ये गलत है। आपके भी लाइफ में इनकंसिस्टेंसी आएगी, बट एक इनकंसिस्टेंसी बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना है, तो किसी दिन आपने अगर 4 घंटा पढ़ा, किसी दिन आपने 12 घंटा पढ़ लिया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और किसी दिन आप 12 घंटा पढ़ लिए। तो कंसिस्टेंसी जरूरी ही तो है ही, बट इन कंसिस्टेंसी को हम किस तरह से टॉलरेट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका इनकंसिस्टेंसी आ गया, आप 4 दिन नहीं पढ़े, तो आप देखिए 5वां दिन आपको बहुत एनर्जी उठानी पड़ेगी, और जो कंसिस्टेंसी में आप 2 घंटे में जितना पढ़ पाते, जितना गेन कर पाते, इन आप 4 दिन छोड़ने के बाद आपको लगेगा कि उसी चार घंटे की पढ़ाई के लिए आपको कम से कम 15 घंटे देने पड़ेंगे। तो इनकंसिस्टेंसी का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो कोशिश कीजिए कि लाइफ में कंसिस्टेंसी बने रहे, और कंसिस्टेंसी ज्यादा से ज्यादा हो, तभी आपका अच्छा हो पाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि हर आदमी के पास जो है अलग अलग प्रॉब्लम है। देखिए, ध्यान से समझिए, हर आदमी के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बट उस प्रॉब्लम में से भी हम नेगेटिव चीजों को अवॉइड करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करके कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे, तभी आपके पॉसिबल है। सो कंसिस्टेंसी वन ऑफ द की फैक्टर ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशंस। आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है। जब इनकंसिस्टेंट होते हैं तो थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में सोचना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा आप घूम फिर के आइए थोड़ा सा। कभी कभी क्या होता है कि आप 4 घंटे पढ़े, आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने का, अब आधा घंटा थोड़ा सा घूम के आइए, पूरा वॉक करके आइए, तेजी से वॉक करके आइए। जब आप आधे घंटे घूम करके आते हैं, देखिए फिर से पढ़ने में बहुत मन लगेगा। हर हाल में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। थोड़ा सा सॉन्ग सुन लीजिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का मूवी देख लीजिए, है ना, हल्का, यानी कि बैठ के पूरा देख रहे हैं, थोड़ा कॉमेडी सीन देख लीजिए, मूड को फ्रेश कर लिए, फिर से वो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई किए। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है आपको, और कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना है, है ना, बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ की ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बनाना है, मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन में नहीं रखना है। जहां है वहां से मुझे आगे निकलना है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है, तभी पॉसिबल है सर, है ना। इसलिए अगर आप अभी तक इनकंसिस्टेंस हैं तो उसको कंसिस्टेंट में कन्वर्ट कीजिए, और उसके कन्वर्ट करने का एक ही तरीका, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए सर, ध्यान में बहुत बड़ा ताकत है सर, उसको कीजिए, पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए। इस तरह से आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। ऐसा नहीं 100% लोग जो है आप पूरे, कहा जाता है कि 100% जो है फुलफिल है, ऐसा नहीं है। जो टॉपर है और जो टॉप नहीं है, उन दोनों में एक ही डिफरेंस है कंसिस्टेंसी का। जो छोड़ चुके हैं पढ़ाई, अब जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन दोनों में एक ही डिफरेंस है कंसिस्टेंसी का। सो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। चाहे आपके होली हो, दीपावली हो, कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार में भी हम पढ़ेंगे, उस त्यौहार में भी हम अपना टाइम निकालेंगे, है ना, अपना टाइम आएगा, ये सोचना है सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ाई कीजिए एंड लर्न थ्रू द कॉन्सेप्ट वाला अभी हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है। अब हम जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कुछ क्वेश्चन लेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। थैंक यू सो मच।